आप है परमिंदर सिंह जी और इनका किन्नू का थोक का काम है यहाँ सहारनपुर की मंडी में, तो आपसे हम जानेंगे आज का थोक का क्या भाव रहा। जी परमिंदर, आज किन्नू बढ़िया क्वालिटी का 20 से 25 रुपए किलो के बीच में बिका है। अच्छा, सेकंड क्वालिटी जो इसको गिरान बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ गिर जाता है जो, उसकी पोजीशन 12 से 15 रुपए किलो की है। अच्छा, और एक कट्टे का कितना वजन होता है? लगभग 25 से 30 किलो। अच्छा, अपना मोबाइल नंबर बताइए। 9837066567। ठीक, प्रवेश फ्रूट कंपनी और दुकान नंबर है PFC C145 और मोबाइल नंबर है परवेज जी का 9897557666। तो चलिए आज मैं यहाँ जानूंगा परवेज जी से नारियल पानी का भाव। जी थोक का भाव बताइए। थोक का भाव जी 20 दाने का एक पल्ला आता है। हाँ, इसकी पोजीशन 1100 रुपये की है। 1100 रुपये, लगभग 55 रुपये का दाना पड़ता है। 55 रुपये का। अच्छा, कहाँ का है ये? बेंगलोर है। बेंगलोर, हाँ, गुजरात भी आता है, बेंगलोर भी है। बेंगलोर का है ये, 550 रुपये का है 10 दाना। ठीक ठीक। तो भाइयों, अब मैं आपको ले के आया हूँ सुपर ट्रेडिंग कंपनी और दुकान नंबर है C150। यहाँ आप सेब देख रहे हैं, ये गोल्डन सेब है और ये लाल सेब जो कि होता ही है। हमारे साथ राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, कैसे हैं आप? सब मेहरबानी, सब ठीक है। अच्छा, काम धंधा सही चल रहा है? बहुत बढ़िया जी। अच्छा राजकुमार जी, आज आप सेब के भाव बताइए, लाल वाले के, थोक के। सेब सर हाफ डब्बा जो है 600 रुपये का चल रहा है। बढ़िया सेब, बढ़िया सेब। हाँ, ये वाला ये जी। अच्छा, इन्होंने बताया कि ये जो हाफ डिब्बा है ये 600 रुपये का है। अच्छा, इसमें कितने किलो होता है? लगभग 10 किलो। लगभग 10 किलो। अच्छा, और ये छोटे वाला? ये चल रहा 800 रुपये। ये 8 है, वजन 24 किलो। अच्छा भाइयों, इसका डब्बा बड़ा है लेकिन साइज इसमें जो सेब का है वो छोटा है और इसका वजन लगभग 24 किलो सेब इसमें से निकलेगा। और ये है नाक, कहाँ के नाक है राजकुमार जी? हिमाचल के नाक। हिमाचल के नाक। अच्छा, कितना वजन है एक पेटी का? लगभग 12 किलो नाक निकलती है। 12 किलो का डिब्बा है। और भाव? ये 400 रुपये का है, थोड़ा सेकंड है। इससे जो बढ़िया है वो 600 रुपये का पड़ता है। ये 400 रुपये का। और जो इससे अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी, वो 600 रुपये का पड़ता है। वो 600 रुपये का जी। उसका वजन? लगभग 12 किलो। लगभग 12 किलो। अच्छा, अब आप हमें बताइए गोल्डन शेप के बारे में। ये गोल्डन शेप छोटे साइज का 400 रुपये का पड़ता है। अच्छा, 500 रुपये का पड़ता है। बड़े साइज का 500। तो ये बड़ा साइज है और इसका वजन लगभग 10 किलो। लगभग 10 किलो। और छोटे वाले डिब्बे का? 12 किलो। 12 किलो। हाँ, उसको 400 रुपये पड़ता है। वो 400 का। अच्छा, लगे हाथ पपीते का भाव भी बता दीजिए राजकुमार जी। पपीते ये शमीम भाई बताएंगे। तो भाई हमारे साथ शमीम भाई जी भी हैं। जी पपीते का भाव बताइए थोक का आज का। थोक का रेट चल रहा है 35 रुपये किलो का। अच्छा, 35 रुपये किलो। अच्छा, एक ही वरायटी आती है इसमें, अलग अलग भी आती है? एक ही वरायटी आई है। अच्छा, जो पपीता 15 रुपये किलो का बिक रहा है। हाँ हाँ, और कितना वजन होता है पूरी? कुछ इसमें पन्नी में आता है, कैसे आता है? नहीं, कैंटर आ रहा जी। अच्छा, 10-11 टन का कैंटर आता है उसके अंदर। अच्छा, तो आज कितने कैंटर उतरे मार्केट में? कल उतरे थे 4 कैंटर थे, आज तो 2 ही है। कल 4 उतरे थे, आज 2 कैंटर उतरे। चलिए अनार का भाव भी हम जान लेते हैं सलमान भाई से। ये अनार की पेटियां रखी है यहाँ और बॉक्स का भाव भी जानेंगे और किलो का भाव भी जानेंगे। सलमान भाई, क्या भाव रहा आज अनार का? आज का 110 से 115 रुपए का भाव है जी। अच्छा, एक ही वैरायटी आज? नहीं, वैरायटी कई है जी। अच्छा, 50 रुपए भी है, 60 रुपए भी है, जैसा माल है वैसे रेट है। अच्छा, पेटी का वजन? पेटी का वजन यही आता है 20-21 किलो। 20-21 किलो। अपना मोबाइल नंबर? मेरा नंबर है जी 8218161557। ठीक, तो मैं आपको लेकर आया हूँ महावीर फ्रूट कंपनी, दुकान नंबर है C158। यहाँ मैं आपको मौसमियों का भाव बताऊंगा आज थोक में क्या रहा। ये मौसमियाँ रखी हैं यहाँ और ये भाई मौसमी लगा रहा है इसमें। तो आप वैसे तो जो बनावट देख के आ रहा है, जो मैं आपको बताऊं, जैसे चिड़िया का घोंसला होता है, देखने में बिल्कुल सेम बनावट ऐसी है कि इसमें चिड़िया के अंडे रखे हों, लेकिन ये हरे हरे अंडे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये मौसमिया है। हाँ भाई, क्या हाल है आपके? जी बढ़िया। अच्छा, काम धंधा कैसे चल रहा है भाई? बढ़िया चल रहा है।
अच्छा, ये आलीशान भाई हैं और इनका मौसमी का काम है यहाँ। अच्छा आलीशान, आज का भाव बताओ बेटा। 920 रुपए दो नंबर का। दो नंबर जी। अच्छा वजन? वजन 20 किलो। 20 किलो। आज 200, आज दो ही नंबर है आपके पास? जी, तीन नंबर भी किया है, 800 रुपए। अच्छा अच्छा अच्छा, मौसमी कहाँ की आलीशान? ये दिल्ली की। ठीक ठीक आलीशान। तो भाइयों नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में केले की डिमांड कुछ ज़्यादा ही रहती है और यहाँ हम जानेंगे कि केले का क्या भाव रहा आज का थोक में। ये केले रखे हैं आपके सामने, सारी कैरेट्स रखी हैं जी। केले का भाव बताइए आज। केला सर मंदा हो गया 2-3 दिन से। अच्छा इसका कारण? कारण ही हुआ, माल ज्यादा ओवर हो गया। ओवर हो गया, ओवर हो गया माल ज्यादा। अच्छा 50-55 रुपए के लग रहा है, 60-65 रुपए के लग रहा था। अच्छा अच्छा जी। और सबसे बड़ा क्वालिटी आती है हमारे यहाँ। हाँ बिल्कुल, वो आपने बताई थी बिल्कुल, सबसे अच्छी क्वालिटी आती है हमारे यहाँ। ठीक है ठीक ठीक। तो भाइयों नवरात्रे का समय है और केला नवरात्रों में सबसे ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि ये एक ऐसा फल है, वैसे तो ये 12 मासी चलता है और त्योहारों में सबसे ज़्यादा केला और सेब इन्हीं की खपत होती है। हमारे साथ अशरफ जी हैं, आप देख रहे हैं काम कर रहे हैं, इनको पसीना भी बहुत आ रहा है, मेहनती आदमी है लग रहा है बहुत ज़्यादा। और अब अशरफ भाई से हम जानेंगे केले का क्या भाव रहा। अशरफ भाई जो ये केला है इसका क्या भाव है आज? 30 रुपए दर्जन। 30 रुपए दर्जन। और ये बराबर वाला? ये भी 30 है। ये भी 30 है। और ये? ये 20 रुपए दर्जन। ये 20। ये बताइए? 40। तो ये 40 रुपए दर्जन वाला केला देख रहे हैं आप, केले की कंडीशन अच्छी है। अच्छा एक केला ये है, ये भी 40 रुपए दर्जन आपको मिल जाएगा। अच्छा चितली वाला केला है ये? अच्छा वैसे केला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और अशरफ भाई ये वाला? ये वाला 50 है जी। ये 50 है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये 50 रुपए दर्जन है। और इनके यहाँ कच्चा केला भी है, ये अभी पकेगा शायद है। अच्छा अंदर ये आपका दुकान है जिसमें पकता है केला। अशरफ भाई आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। 97-61। हाँ दोबारा बताओ। 97-61-82-32-45।